हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ दिखाएंगे। जैसे फ्रेंड होता है कि आप अपने राशन कार्ड का नंबर भूल जाते हैं, तो आप अपना आधार कार्ड का नंबर याद रहता है तो आसानी से आप पता कर सकते हैं राशन कार्ड का नंबर। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड, इस वीडियो को फ्रेंड पूरा वॉच करने के बाद आसानी से अपना आधार कार्ड से राशन कार्ड नंबर पता कर सकेंगे। इसके लिए फ्रेंड आपको क्या करना पड़ेगा, आप अपने मोबाइल में ओपन करेंगे प्ले स्टोर को। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद इस तरह से मेरा राशन कार्ड है जो एप्लीकेशन, इसको ओपन करेंगे। जैसे देख सकते हैं इस तरह से फ्रेंड हमने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद, डाउनलोड करने के बाद ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इस तरह से आ जाएगा परमिशन के लिए अलाउ, तो परमिशन के लिए अलाउ आ जाएगा। तो फ्रेंड आप अपने परमिशन को सभी को अलाउ कर देंगे। देख सकते हैं इस तरह से हम अपने परमिशन को सभी को अलाउ कर रहे हैं, तो आप इस तरह से अलाउ कर देंगे तो ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। तो देख सकते इस तरह से हमारा ओपन हो चुका। अलाउ करने के बाद यहाँ से हम बैक हो जाएंगे। फ्रेंड बैक होने के बाद इसको हम ओपन करेंगे, तो ओपन करने के बाद इस तरह से फ्रेंड आ जाएगा। जो ओपन करेंगे बाद जैसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो हिंदी में देख सकते हैं, इंग्लिश में चुनना चाहते हैं तो इंग्लिश में चुन सकते हैं। यहाँ से आपको सेलेक्ट का ऑप्शन देगा जो किस भाषा में आप यहाँ से देखना चाहते हैं। तो फ्रेंड ये तरीका है, जैसे हम आपको लाइव प्रूफ दिखाएंगे कि जैसे राशन कार्ड में कार्ड नंबर पता नहीं होता, तो राशन कार्ड नंबर नहीं पता है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड, आप अपने मोबाइल में जाएंगे तो यहाँ नीचे आपको आइकन में दिखाई देगा आधार कार्ड सिंग, मतलब आधार कार्ड के सिंग, मतलब आधार कार्ड सिंग मतलब क्या होता है कि आधार कार्ड के नंबर से आप अपना राशन कार्ड को आसानी से पता कर सकेंगे। इसके लिए यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा आइकन में राशन कार्ड नंबर, इसके पास से बगल में आपको दिखाई दे रहा होगा आधार कार्ड नंबर। तो फ्रेंड अपना आधार कार्ड नंबर पर जब क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको ऑप्शन में आ जाएगा आपका आधार कार्ड नंबर लिखने के लिए। तो फ्रेंड चलिए हमें अपने अपना आधार कार्ड नंबर को इंटर करेंगे। फ्रेंड इस तरह से हम अपने आधार कार्ड नंबर को इंटर कर लेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ सबमिट करेंगे तो इस तरह से रीड कर लेगा। उसके पर से आपका कहाँ ज़िला है, कहाँ से हैं आप, पूरा एकदम स्टेटस आसानी से आपको पता कर लेंगे कि परिवार में आपके राशन कार्ड में कितने लोगों का नाम है। इस तरह से आपको स्टेटस आपको निकल जाएगा नीचे में। आपका शुरू में आपको होम स्टेट का है उत्तर प्रदेश है, होम डिस्ट्रिक्ट क्या है गोरखपुर है, इसके में PEH है फ्रेंड, और कार्ड नंबर आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा, PIF नंबर भी दिखाई दे रहा होगा, और ओआरजी में यस कर देंगे इस तरह यस रहेगा। और फ्रेंड आपको देख सकते हैं इसमें मुखिया कौन है, फर्स्ट में मुखिया का नाम पड़ेगा, सेकेंड में मतलब आपके पिता का नाम पड़ेगा, जैसे आप अपने पहले आपके मम्मी का नाम रहेगा उसके पर से आपके पिता का नाम रहेगा, उसके पर से आपके रिलेटेड में आपके भाई बहन कितने हैं, उसके पर से जितना नाम एड रहेगा उस तरह से आसानी से देख लेंगे आधार कार्ड के नंबर से। तो ये तरीका फ्रेंड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। और जैसे फ्रेंड होता है क्या कि इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इस तरह से आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको याद नहीं रहता, तो आप अपने राशन कार्ड को कभी भी आप जाते हैं तो आसानी से स्क्रीनशॉट रहेगा, तो आधार राशन कार्ड का नंबर ये आसानी से आपको दिखाई दे रहा होगा। कार्ड नंबर यही है, आसानी से इसको आप कार्ड नंबर को कभी भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसमें आधार कार्ड से भी आसानी से चेक कर सकेंगे अपने मोबाइल से। तो फ्रेंड ये तरीका कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। इससे क्या होगा फ्रेंड कि हमारी नई नई वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेगी। तो फ्रेंड वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।